छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से चंद दिनों पहले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सतनामी समाज के गुरु बलदास अपने बेटे सुखवंत साहेब और सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और पीसी चीफ भूपेश बघेल की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सतनामी समाज में गुरु बलदास के काफी अनुयायी हैं। ऐसे में यह नया घटनाक्रम भाजपा के लिए खासी मुश्किल खड़ी कर सकता है। गुरु बलदास और उनके पुत्र सुखवंत सहाय ने भाजपा के 15 सालों की सरकार में समाज को सहयोग नहीं मिलने पर यह कदम उठाया है। गुरु बलदास का कांग्रेस में आना भाजपा के लिए बड़ा झटका है। अनुसूचित जाति वर्ग के प्रभाव वाली सीटों पर गुरु बलदास की अच्छी पकड़ है। ऐसे में यहाँ भाजपा का रास्ता और मुश्किल हो सकता है। अपने फैसले के बारे में जानकारी देते हुए गुरु बलदास ने कहा कि बीजेपी ने समाज के लोगों को सम्मान नहीं किया, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने साथ ही कहा कि आने वाले दिनों में अन्य लोगों से भी वह कांग्रेस का समर्थन करने की अपील करेंगे। जहां एक ओर कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया है, वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि किसी धार्मिक नेता के उनके पार्टी में शामिल होने से उनके वोट बैंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुरु बलदास की कांग्रेस में एंट्री के बाद पार्टी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में उलटफेर करते हुए आम चुनाव में जीत की उम्मीद कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस में पहले से ही सतनामी समाज के एक नेता रुद्रगुरु मौजूद हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।